ये एक इरोडोव का प्रॉब्लम है, स्पायरल बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें एक स्पायरल है जिसका सेंटर से लेके बाहर का आउटर रेडियस ए है। स्पायरल देख के वैसे भी थोड़ा सा ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, तो स्पायरल के प्रॉब्लम में थोड़ा दिमाग घूमता है। पास्ट में जेई में स्पायरल बेस्ड क्वेश्चन आया है एक, वो भी इरोडोव से आया था। ये ए है आउटर रेडियस, इनर तो नेचुरली जीरो होगा, टाइटली वाउंड है, मीन्स कोई गैप नहीं है वायर्स के बीच में। तो इसमें जो पहला हिंट है वो है, अगर एक वायर का थिकनेस टी है और नंबर ऑफ टर्न्स एन है, सो एन टी इज इक्वल टू ए। हम एक ये यूज़ करेंगे रिलेशनशिप। ये दिया है एक मैग्नेटिक फील्ड बी में है और बी इज इक्वल टू बी ज़ीरो साइन ओमेगा टी। अब कोई भी अगर हम लेते हैं, एक पैच काट लेते हैं इसमें से, एक मैंने एक पैच काट लिया जिसका रेडियस आर है, और इस पैच में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ये आर है और ये है डी आर। अगर टोटल थिकनेस हर एक, इसमें जो अलग लूप्स हैं, इसमें खुद एक छोटा सा स्पायरल है, पार्ट ऑफ स्पायरल है, उसमें हर एक की टर्न की थिकनेस टी है, सो टी इंटू एन इज इक्वल टू डी आर। और टी का वैल्यू कितना है, ए अपॉन एन, सो एन ए अपॉन एन इज इक्वल टू डी आर, सो एन इज इक्वल टू एन अपॉन ए इंटू डी आर। सिंपल अरिथमेटिक से भी निकाल सकते थे, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें। अब इसमें एक छोटा सा ये पैच जो है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पता चल गया, तो इस ये कॉइल जो है, ये कॉइल कितना एरिया इंक्लोज कर रही है, एरिया तो है पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इसमें बी है, सो इसका एक टर्न में फ्लक्स कितना आ रहा है पर टर्न, इस पाई आर स्क्वायर इंटू बी। अब क्योंकि इसमें एन टर्न्स हैं तो फ्लक्स हो जाएगा एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर इंटू बी, और एन का वैल्यू है एन अपॉन ए इंटू डी आर, सो पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू बी। ये मेरा, इसको मान लीजिए आप डी फाई लिखिए, एक्चुअली एक एक पार्ट का है, एक पैच का है। सो मैं टोटल निकालना चाहता हूँ, तो मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा फ्रॉम 0 टू a। ये मेरा टोटल फ्लक्स आ जाएगा, टोटल फ्लक्स जो इस कॉइल के थ्रू आएगा वो आएगा पाई एन अपॉन ए इंटू बी। बी जो है आर का फंक्शन नहीं है, इसलिए मेरे को ये बी को मैं इंटीग्रल में कांस्टेंट मानूंगा, क्योंकि मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू आर डी आर। बी जो है टाइम का फंक्शन है, आर का फंक्शन नहीं है। सो पाई एन अपॉन ए आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम 0 टू a, इट बिकम्स पाई एन बी अपॉन 3 a इंटू ए क्यूब, दिस इज पाई एन बी ए स्क्वायर अपॉन 3। मेरा टोटल फ्लक्स आ गया। अब बी का वैल्यू जो है, बी जीरो साइन ओमेगा टी है, सो फाई इज इक्वल टू पाई एन ए स्क्वायर अपॉन 3, पाई एन ए स्क्वायर अपॉन 3 बी जीरो साइन ओमेगा टी, डी फाई अपॉन डी टी मेरा आया इज इक्वल टू पाई एन ए स्क्वायर अपॉन 3 बी जीरो इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सो मेरा ई एम एफ क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, सो ई एम एफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस पाई एन ए स्क्वायर बी जीरो ओमेगा अपॉन 3 कॉस ओमेगा टी। ये आपका है ई एम एफ, और ये हो जाएगा पीक वैल्यू। ये माइनस साइन को आप सूटेबली यहाँ एडजस्ट कर सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई एन ए स्क्वायर बी जीरो ओमेगा अपॉन 3 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई, उसको मैं उधर ले जाता हूँ। ये मेरा है पीक वैल्यू, सो यही मेरा आंसर है। ई जीरो का वैल्यू आ गया पाई एन ए स्क्वायर बी जीरो ओमेगा अपॉन 3 इज द आंसर।